ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषित करा नवनीर्दाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रघुवर कृष्णचंद्र की जय। सभी को राम राम। स्वागत है मैंने कहा किस वीडियो में। मैं हूं आपका साथी प्रनील। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दूसरा दिवस रात्रि, और जैसे कि मैंने कहा था कि आज जो दो तीन दिवस है दिन है, उसमें हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो संक्षिप्त कथाएं हैं, सभी जो 12 स्कंद की, उनको हम करने का कहने का प्रयास करेंगे। तो आज दूसरे दिवस रात्रि में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज जहां पर हमने कल छोड़ा था, अभी चौथे स्कंद में हम हैं, और यहां पर नारद का प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा सुनाना, यह कथा इसमें है। पुरंजन का शिकार खेलना, स्त्री प्राप्ति के में आसक्त होकर पुरंजन की वृद्धावस्था तथा रोग आदि का वर्णन, स्त्री की चिंता से पुरंजन का स्त्री हो जाना, या भी जो भगवद गीता है उसके महत्व में काफी सुनने को मिलता है कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उसका आकर्षण आप में है तो आप पुनर्जन्म जो होगा आपका वही का होगा। तो उसको पुरंजन का जो है स्त्री में इसका आसक्ति था और उसका जो पुनर्जन्म जो हुआ वो स्त्री का था। स्त्री की चिंता से पुरंजन की स्त्री का स्त्री होना तो था, दैव वशात मुक्ति प्राप्त करना पुरंजन की कथा का था। पर ये प्रचिताओं को भगवान विष्णु का वरदान और उन सब का वृक्षों की कन्या के साथ विवाह कर देना तथा राज्य करना, दक्ष को राज्य देकर प्रचेताओं का वन में जाना तथा मुक्ति को प्राप्त करना। तो जो ये प्रचेता है उन्होंने दक्ष को राज्य दिया था। फिर हम जाते हैं पंचम स्कंद में। वहां पर क्या होता है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रियव्रत का राज्य पालन करना, राजा जो प्रियव्रत है उसकी कथा हमने पहले भी कही है, खासकर जो माता षष्ठी की कथा जो हम कहते हैं तो उस समय राजा प्रियव्रत का हम कथा भी कहते हैं। आगे क्या होता है कि आग नीर्थ का चरित्र नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार, ऋषभ का राज्य पालन, श्री ऋषभ देव का उपदेश, भगवान ऋषभ का अवधूत की भांति आचरण करना, राज ऋषि भरत का चरित्र। तो अब क्या होता है कि पंचम स्कंद में ज्यादातर जो भारतवर्ष के राजा हुए हैं उनका कथा है, और इसी कारण से हम जो है करंट अफेयर्स पर हम हमेशा बात करते रहते हैं और हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा इतिहास जो आज हो रहा है वो अगले 100 साल बाद वो इतिहास रहेगा। अंत समय में भरत की मृग में आसक्ति और मृग जन्म। तो आप देख सकते हैं कि राजा जो भरत था वो मृग को लेकर कुछ ज्यादा ही आकर्षित था और उसका फिर मृग पुनर्जन्म हुआ। भरत का ब्राह्मण जन्म और जड़वत वृत्ति, जड़ भरत की राजा रहुगण से भेंट, ब्राह्मण जड़ भरत का रहुगण को उपदेश देना, रहुगण के प्रश्न का समाधान, संसार रूपी अरण्य का वर्णन, अरण्य रूप की का जो स्पष्टीकरण है उसकी कथा है, और फिर भरत के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन, भूलोक में इलाव्रत खंड का वर्णन, जम्बूद्वीप की नदियां तथा इलाव्रत वृक्ष का वर्णन, जम्बूद्वीप के वृद्ध शवादी
वर्षों का वर्णन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो आज का भारत है, और देखिए कि कथा कहाँ पर मिल रहा है, आज 14 अगस्त यहाँ पर न्यूजीलैंड में, और 15 अगस्त कल जो है इंडिपेंडेंस डे भारत का, और उसके साथ भी जो पार्टीशन हुआ वो काफ़ी दर्दनाक इतिहास है, उसको उसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। लेकिन जो आज का भारतवर्ष है, आप देख रहे हैं कि जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने कितना भारत को काट दिया, काटते काटते बोडा को एकदम भारत माँ है उनको, उसको काट कर बड़ो बहुत ही छोटा कर दिया। लेकिन वैसा नहीं था, जैसा मैं हरदम कहता रहता हूँ कि जो भारतवर्ष अभी के एविडेंस जो मिल रहा है, जो ऑन द ग्राउंड एविडेंस मिल रहा है, तो भारतवर्ष केस्पेंसी महर्षि कश्यप वहाँ से लेके इंडोनेशिया पुराने मंदिर, फिर जापान से लेके मॉरिशस मारिच का जगह, वो ये सब जगह एविडेंस मिल रहा है, पुराने मंदिर कथा उन सब का, और हमारे पुराण में तो है ही है। तो जम्बूद्वीप भी, जम्बूद्वीप भारत खंडे, ये सब भी भारतवर्ष के पुराणिक नाम हैं, और इसमें उन सब की कथा है। तो जम्बूद्वीप की नदियां का तथा इलावृत वृक्ष का वर्णन जम्बूद्वीप के वृद्धा शुवादी वर्षों का वर्णन, किंपु ऋषादी वर्षों का वर्णन, प्लक्षादी द्वीपों का वर्णन, भगवान श्री सूर्य देव का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, और श्री हमारे श्री सूर्यदेव और ग्रह नक्षत्र, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, जो खासकर जो न्यूयॉर्क का समय रहता है और जो मलमास का समय रहता है, तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से, किस डिटेल में मैंने बताया था कि कितना विशाल हमारा संस्कृति है, और ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे जो वेद व्यास जी और भी कई ऋषि जो है वो करके गए हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम अपने जो अगले जनरेशन है उसको बतलाएं। ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, फिर शिशुमार संस्थान का वर्णन, पाताल का वर्णन, भगवान अनंत का वर्णन, हरि अनंत हरि कथा अनंता, विभिन्न नरकों का वर्णन, तो नरक भी है उसका भी वर्णन है, और इसका अगर हम एक फिजिकल अर्थ ले तो जितना जमीन के नीचे जो जाता है केव्स वगैरह, उसका सब वर्णन इसमें है। तो यहाँ पर ये सब पंचम स्कंद में होता है, और अब हम जाते हैं षष्ठ स्कंद में। काफ़ी कुछ आज हमको कवा करना है, तो ये वीडियो भी हो सकता है लंबा जाएगा, लेकिन क्या करें, हमारा जो संस्कृति है उतना डिटेल में है, जिस जो श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे पास है, संस्कृत और हिंदी दोनों उसमें, तो कुल मिला के 2 वॉल्यूम्स है, कुल मिला के एक एक वॉल्यूम में 1000 पेजेस है, तो बहुत 1000 वो तो बहुत बहुत डिटेल है, और ये तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में टच कर रहा हूँ एक एक पॉइंट। तो षष्ठ मतलब 6th स्कंद, दासीपति अजामिल ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन, भगवान विष्णु के दूतों द्वारा उनके गुणों का निरूपण तथा अजामिल के विष्णु रूप की प्राप्ति, यमराज और यमदूतों का परस्पर वार्तालाप। हंस गृह स्तोत्र का वर्णन, हर्यश्रव और शव नाम वाले 10 पुत्रों की वीरति और दक्ष का नारद को शाप देना, यह कथा है। फिर प्रजापति दक्ष से जायमान संतान संख्या और उनके कुल का विस्तार वर्णन, देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार करने से ऐश्वर्यहीन हो जाना तथा विश्वरूप को पुरोहित चुनना, नारायण कवच विषयक वर्णन। तो इसमें काफी कथा है दक्ष जी के बारे में, उसका वंश काफी बड़ा है, फिर बृहस्पति जो दैत्यों के गुरु हैं उनके बारे में भी कथा है।
क्षमा कीजिएगा, जो गुरु बृहस्पति है वो है देवताओं का गुरु। तो तभी यहाँ पर कथा है कि देवताओं द्वारा गुरु बृहस्पति का तिरस्कार करना और ऐश्वर्यहीन उस कारण से हो जाना। फिर नारायण कवच विषय का वर्णन की कथा है और उसके बाद वृतासुर की जन्म की कथा। देवताओं का ददीची ऋषि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगना और उसे वज्र बनाकर वृतासुर के साथ युद्ध करना। मेरे ख्याल से कथा मैंने पहले भी कहा है किस तरह से ददीची ऋषि के जो हड्डी उसके उससे वज्र बनता है। वृतासुर का दैत्य सेनाओं की विरोचित उपदेश दैत्यपति वृतासुर का स्वर्गाधिपति इंद्र द्वारा वध, वृतासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या का इंद्र को सताना, वृतासुर के पूर्व जन्म का इतिहास वर्णन, पुत्र शोक से संतप्त राजा तथा राजमंडल को अंगीरा ऋषि और देवऋषि नारद का उपदेश, नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को वैराग्य और भगवान संकर्षण का दर्शन, चित्रकेतु को पार्वती का शाप देना, दीति अदिति के वंश की कथा और मरुदनों की उत्पत्ति का वर्णन। तो दीति अदिति वहां से भी काफी दैत्य की उत्पत्ति, वो काफी विस्तार कथा है, इसको हम फिर कभी विस्तार में लेंगे। और हम जैसे आप देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जितना भी त्यौहार होता है उसमें मैं कुछ ना कुछ कथा उसमें से लेता हूँ। और अब जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अध्ययन कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी कथा है, बहुत बहुत सारा कथा है, कथा सागर ये तो है। और अब हम सप्तम स्कंद में देखें, सेवंथ स्कंद। तो देवऋषि नारद और युधिष्ठिर की बातचीत, फिर हम देखते क्या हो रहा है, अब महाभारत में कथा जा रहा है। उसके बाद अब हिरण्याक्ष के वध पर सौबांधव को हिरण्यकश्यपु का विरोचित उपदेश, हिरण्यकश्यप कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी का उसको वर देना। हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से संतप्त देवताओं का भगवान विष्णु की स्तुति करना। जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेता है और उसके बाद अपना जो अत्याचार है वह आरंभ करता है और देवतागण जाते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास, वे जाते हैं। और आगे हम देखें कि हिरण्यकश्यपु का अपने पुत्र प्रहलाद से क्रोधित हो अपने सेवकों को उसके वध की आज्ञा देना। देखते हैं यहां पर हमारे भक्त श्री प्रहलाद, उसका ऊपर आक्रमण जो है खुद अपने पिता के द्वारा शुरू हो जाता है। प्रहलाद का दैत्य बालकों को सनातन धर्म अनुकूल उपदेश देना। और प्रहलाद ना कि केवल खुद श्री हरि विष्णु भक्त है बल्कि और बालकों को भी ज्ञान देना आरंभ कर देता है। कयाधु के गर्भ में स्थित प्रहलाद को देवऋषि नारद का सदुपदेश प्राप्त होना। श्री नरसिंह रूपधारी भगवान द्वारा असुर राज हिरण्यकश्यप का हनन करना और देवों की स्तुति करना, ये जो कथा है हम होली के समय हम कर चुके हैं। प्रहलाद द्वारा नरसिंह रूपधारी भगवान की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करना। प्रहलाद का राज्य अभिषेक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म का विस्तार और पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन। तो ये जो मनुष्य के जो धर्म है कर्म, उसके बारे में वर्ण और उसके बारे में कथा है। गुरुकुलवासी ब्रह्मचारी और वान प्रस्थाश्रम का नित्य कर्म। और फिर यहाँ पर जो आश्रम हमारे हैं चार आश्रम,
उस पर कथा है। या जो जब मैं कथा करता हूँ छठी के समय किसी का होता है या शिशु जन्म से पहले वह कथा हम करते हैं, तो उसमें आश्रम और 16 संस्कार उसके बारे में हम बतलाते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कुछ पहले वाले वीडियोस में। यति धर्म निरूपण तथा प्रहलाद का सहया पर्वत पर स्थित मुनि से बातचीत करना गृहस्थाश्रम पुरुषों के लिए गृहस्थाश्रम कर्मों का निरूपण, नारद जी का गृहस्थियों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। तो यहीं पर सप्तम स्कंद जो है वह समाप्त होता है और अब हम अष्टम स्कंद आठवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहां पर कथा है, इसकी कथा है कि स्वयंभू आदि चार मनुओं का वर्णन। इस पर हम बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम कथा कहेंगे जो मनवंतर वाला न्यू ईयर के समय, और उसको हम जैसा इस साल किया था और उसको बढ़ाएंगे अगले साल, तो उसमें जो मनवंतर है, मनु है, उस वह सब की पूरा डिटेल कथा। इससे मैं कल कहा था कि जो हमारा टाइम साइकिल है वो चक्र चलता है और जो समय ऐसे ऐसे जाता है, एक एक का नाम है कि क्या हुआ था एक एक समय में, पूरा अच्छी तरह से डिवाइडेड है और उसको हम कहेंगे। गजेंद्र का जल क्रीड़ा और ग्रह द्वारा पकड़ा जाना, गजेंद्र द्वारा स्तुत श्रीहरि का शीघ्र आकर ग्रह से छुड़ाना। यह भी भजनों में आता है कि ग्रह से गज की फंद छुड़ाए। गज और ग्रह के पूर्व जन्म की कथा। दुर्वासा ऋषि के शाप से श्री विहीन हुए देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति तथा भगवान का आदेश से असुरों के साथ अमृत के लिए देवताओं का महान उद्योग करना, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष के भय से व्याकुल प्राणियों द्वारा स्तुत भगवान शंकर, हमारे शिव शंकर जी भगवान। अब जब समुद्र मंथन की कथा हो रही है तब जो विष निकलता है उसमें श्रीहरि विष्णु नहीं बल्कि हमारे शिव शंकर जी भगवान, वह जो है नीलकंठ कहलाते हैं, जब विष का प्याला उन्होंने ग्रहण किया था। और इसका जो कथा है हम दीपावली के समय करते हैं। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी द्वारा भगवान को अपना वर चुनना तथा धन्वंतरी को अमृत कलश का दैत्यों द्वारा अपहरण हो जाने पर मोहिनी रूप की उत्पत्ति का वर्णन। या भी जो धन्वंतरी की कथा है दीपावली के समय हम करते हैं और मोहिनी रूप जो श्रीहरि विष्णु जी धरते हैं, मोहिनी रूप उसका विशाल कथा है। मोहिनी रूपधारी भगवान के द्वारा दैत्यों देवताओं को अमृत प्रदान करना। और यहाँ पर जो कथा है जो मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि जो एक असुर भी था जिसका श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उसका गला काटा था और वो राहु केतु वो बनते हैं। और ये कथा हम कहते हैं जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उस समय कहते हैं, क्योंकि उसका फिर ये तो पुराणिक कथा है लेकिन फिर राहु केतु का साइंटिफिक वैज्ञानिक जो पुराणों से ही निकला है उसका विस्तार कथा है, वो जब ग्रह होता है उस समय हम करते हैं। देवासुर संग्राम और भगवान श्रीहरि द्वारा माली सुमाली का वध। देवासुर संग्राम में बचे हुए देवताओं तथा दैत्यों को नारद का आदेश यम मरे हुए दैत्यों को शुक्र द्वारा पुनः जीवन दान, ये जो शुक्राचार्य जी हैं वह दैत्यों को पुनः जीवन दान देते हैं। मोहिनी रूप देखने के लिए उत्सुक शंकर जी को मोहित करने के बाद भगवान का उन्हें संतावना देना, यह भी कथा है। सप्तम मनवंतर से लेकर संपूर्ण मनवंतरों का पृथक पृथक वर्णन, ये जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह जो सब मनवंतर का पूरा डॉक्यूमेंटेशन डिटेल है श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है और हम आपसे बाद में ये ज्ञान हम बांटेंगे। भगवान के वश्वर
ती संपूर्ण मनु आदि का पृथक पृथक वर्णन भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा वृषभजित यज्ञ कराने के अंतर बलि की स्वर्ग पर विजय। अब राजा बलि का कथा आता है जो हमने रक्षाबंधन के समय कुछ कहा था। अब यहां आप देख सकते हैं कि राजा बलि जो है वो स्वर्ग पर विजय पा लेता है। पुत्रों के नाश से चिंता कर रही अदिति को उसके पति कश्यप के द्वारा प्रेयव्रत का उपदेश। अदिति के प्रेयव्रत व्रत से प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसके पुत्र रूप से अवतरित हुए भगवान की कथा। वामन भगवान का राजा बलि के यज्ञ में जाना। तो यहाँ पर हमारे भगवान श्री वामन जी का कथा आता है। भगवान वामन द्वारा राजा बलि से 3 पग जमीन मांगना और मांगने पर देने की प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद राजा बलि को शुक्र का उपदेश है। तो राजा बलि की कथा हमने रक्षाबंधन के समय कही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वामन भगवान जो है वो आते हैं बलि राजा से 3 पग भूमि मांग। गुरु शुक्राचार्य से क्रोधित होकर शाप देने पर भी सत्य पर अटल बलि का वामन को भूमि दान देना। शुक्राचार्य बतलाते कि मत देना, लेकिन ये राजा बलि देते हैं। संसार में ख्याति बढ़ने के लिए भगवान वामन के द्वारा 3 पग भूमि नापने के बहाने राजा बलि का बंधन। वरुण पाश में बंधे हुए बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उसे सुतल लोक का राज्य प्रदान करना। अपने पिता महा के साथ राजा बलि को पाताल में चले जाने पर उपेंद्र के साथ भगवान विष्णु का स्वर्ग में जाकर पूर्ववत आनंद पाना। और यहीं पर जो राजा बलि और वामन अवतार की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और फिर यहां पर कथा है मत्स्य रूपधारी। जी हाँ, मत्स्य रूप मछली का रूप जो है श्रीहरि भगवान विष्णु की लीला तथा महासागर में राज ऋषि सत्य व्रत की रक्षा का वर्णन। तो बहुत सुंदर कथा जो है अष्टम स्कंद में हुआ। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं नवम स्कंद, 9th स्कंद। और इसमें ऐसा होता है कि इला की उत्पत्ति सुद्युम्न की स्त्रीत्व की प्राप्ति तथा पुरुर्वा की उत्पत्ति का वर्णन। मनु के विरक्त हुए 2 पुत्रों तथा करुषक आदि 5 पुत्रों के वंश का वर्णन। मनु पुत्र शर्यति के वंश का वर्णन। मनु पुत्र नाभाग की कथा तथा उनके पुत्र अम्बरीश, जी हाँ अम्बरीश द्वारा कृत्या का नाश। तो यहां पर कथा फिर लौटकर मनु और उनके वंशज पर जाता है। सुदर्शन चक्र से ऋषि दुर्वासा की रक्षा, अम्बरीश के वंश का तथा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए शशाद के लिए मानधाता तक के राजाओं का वर्ण। अब तथा जो है वो इक्ष्वाकु वंश, जहां हमारे श्री रामचंद्र जी के वंश, उसमें अब कथा धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। मानधाता के वंश में उत्पन्न हुए पुरुकुत्स और हरिश्चंद्र, जी हाँ हरिश्चंद्र का आख्यान कथा। और यह भी जो लोगों के पास श्री राम चरित्र मानस है उसके आगे आप देखना, एक इंसर्ट है उसका आप निकालना, और उसमें मैं इसको भी रखूंगा, श्री रामचंद्र, हमारे श्री रामचंद्र जी का जो पूरा फैमिली ट्री है उसमें दिया गया है। फिर कथा होता है कि रोहित के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के की नेत्राग्नि से भस्म हो जाना। और यहाँ पर जो कथा है वो माँ गंगा की उत्पत्ति का कथा है। जो गंगा जयंती था उस समय हमने ये कथा जो है वो हमने कहा था। राजा खटवांग तथा अंशुमान का वंश तथा भागीरथ द्वारा भूतल पर माँ गंगा
को लाना। राजा खटवांग के वंश में उत्पन्न हुए श्री रामचंद्र के लंकाधिपति रावण को मारकर अयोध्या में आगमन तक के चरित्र का वर्णन। ये भी बहुत सुंदर है कि जो हमारे श्री मद्भागवत महापुराण है उसमें हमारे श्री रामचंद्र जी रामायण का भी कथा है। अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कथा। भाइयों के साथ अयोध्या में रहकर श्री रामचंद्र जी का यज्ञ करना। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के वंश का वर्णन। जिस वंश में जनक आदि ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न हुए हैं, उस इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के वंश का वर्णन और फिर चंद्रवंश का वर्णन। जो हमारे श्री कृष्ण जी, जैसे मैंने कहा कल, वह चंद्रवंशी है, उसके वंश का वर्णन। पुरुरवा के वंश में उत्पन्न हुए गाधी के दामाद जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा सहस्रार्जुन का वध। तो जब श्री रामचंद्र जी का कथा होता है तो उसमें जैसे श्री राम और माता सीता के विवाह की ओर हम देखकर वहां पर क्रोधित हो परशुराम जी आते हैं, तो परशुराम जी भी एक अवतार है श्री हरि विष्णु के। और श्री राम की जब कथा होती है तो परशुराम जी की कथा तो होती ही होती है। सहस्रार्जुन के पुत्रों द्वारा जमदग्नि का वध। तो थोड़ा पीछे जाते कि पुरुरवा के वंश में उत्पन्न हुए गाधी के दामाद जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा सहस्रार्जुन का वध। तो जमदग्नि है, उसके पुत्र परशुराम, और परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया। फिर सहस्रार्जुन के पुत्र क्या होता है, वो जमदग्नि मतलब परशुराम जी के पिताजी का वध वो करते हैं। और उसके तत्पश्चात परशुराम द्वारा पुनः क्षत्रियों का संहार तथा विश्वामित्र के वंश का वर्णन। परशुराम जी जो है वो कई बार धरती को क्षत्रिय हीन कर देते हैं। और जब श्री राम से जब वार्तालाप करते हैं, वो बहुत रोचक कथा है, उनके विवाह या स्वयंवर के समय जब वो क्रोधित होकर आते हैं, वो बताते हैं कि हे राम, इस जो धरती है क्षत्रियहीन हमने कई बार किया है। श्री राम जी तो खुद क्षत्रिय हैं और वो इनडायरेक्ट उसको धमकी दे रहे हैं। आगे कथा है कि पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के 5 लड़कों में क्षत्रवृद्ध आदि 4 लड़कों के वंश का वर्णन। राजा ययाति का कथा। राजा ययाति का वैराग्य और गृह त्याग। पुरुष वंश में उत्पन्न हुए दुष्यंत के पुत्र भरत के वंश का वर्णन। राजा दुष्यंत के पुत्र वितत के वंश का वर्णन करते हुए रंतिदेव तथा अजमीर आदि के चरित्र का वर्णन। देवदास के वंश वर्णन के बाद जरासंध, ये भी भजन में आता है कि जो भजन में अक्सर गाता हूँ कि मेरे बारह सुख नहीं आकारी कामरीवारो, और एक जो पद आता है कि हो जरासंध शिशुपाल को सिधारो मेरे बारो सुख नहीं आकारी कामरीवारो। तो देवदास के वंश वर्णन के बाद जरासंध, पार्थ तथा दुर्योधन आदि का वर्णन। फिर महाभारत में जाता है और दुर्योधन और जरासंध का कथा। ययाति के पुत्र अनु, द्रोह्य, तुरसु और यदु वंश का वर्णन। तो ये जो कथा है, अब नवम स्कंद के अंत में हम आ रहे हैं और यहां तक मैंने संक्षिप्त कथा किया। और जो चौथा रात्रि होगा वहां से जो श्री कृष्ण जी का जो अवतार होता है वहां तक हम यहां से, जी हाँ, जो मेरा जो तैयारी है कि जो चौथा रात होगा वहां से हम कथा यहीं से लेंगे, नवम स्कंद के
अंत से हम कथा को उठाएंगे और वहां से जो श्री कृष्ण जी का अवतरण है वहां तक पूरा श्लोक व श्लोक हम विस्तार पूर्वक कथा बताएंगे। तो नवम स्कंद के अंत में फिर दशम स्कंद के जहाँ शुरुआत में वहां तक हम विस्तार पूर्वक कथा करेंगे, तो ये मैं अभी नहीं कहूंगा। अब हम दशम स्कंद संक्षिप्त कथा वहां से शुरू करते हैं जबकि श्री कृष्ण जी का गोकुल में जन्म हो जाता है। और कथा उस जगह से है कि नंद जी जो है वो जन्मोत्सव मनाकर कंस को कर या टैक्स देने के लिए वो मथुरा जाते हैं। और अब नंद का गोकुल लौटते समय रास्ते में पूतना का वृतांत सुनना और उसे विस्मित होना। अब पूतना की कथा यहां पर आती है। श्री कृष्ण द्वारा शक्टासुर यवंग तृणाव्रत का उद्धार तथा विश्व रूप दिखलाना। और अब यहां पर दशम स्कंद बहुत बहुत लंबा है और यहां पर हम दशम स्कंद के शुरुआत में है, उसका नाम है दशम स्कंद पूर्वार्ध। वहां पर हम अब हम है, अब श्री कृष्ण जी का जन्म है वह हो चुका है, अब वो ये बाल लीला जो है अब कर रहे हैं और एक से एक राक्षस को वो यहां पर मारेंगे गोकुल में। तो श्री कृष्ण द्वारा शक्टासुर यवंग तृणाव्रत का उद्धार तथा विश्व रूप दिखलाना, बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण, श्री कृष्ण का मिट्टी खाना और माता को मुंह में सारा ब्रह्मांड खिलाना। तो जैसे जिस तरह से वो माखन खाते हैं और यहाँ पर भी मिट्टी खाते हैं और माँ यशोदा को पूरा ब्राह्मण जो है, ये जो बच्चों का आप जानते हैं काम ना, वो कुछ भी होता है वो खाते हैं, खास करके मिट्टी। तो एक बार श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, माँ ने देख लिया, बोला कन्हैया तूने मिट्टी खाया है? कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाया। माँ बोलती कन्हैया तूने मिट्टी खाया है? कन्हैया बोलते नहीं खाया। मुँह खोलो, मुँह खोला, तब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, जिस तरह स्पेस का फोटो हम देखते हैं आजकल, माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी के मुंह में ही दिख गया। यह चमत्कार उन्होंने किया। श्री कृष्ण का मटकी फोड़ना तथा यशोदा का उन्हें डोरी से बांध देना, ये भी बहुत बहुत रोचक कथा। हम तो संक्षेप में कह रहे हैं कि जिस तरह जब वो मटकी फोड़ते हैं, क्योंकि मटकी में यशोदा रानी दही घी ये सब रखती है ऊपर, और ये जब मटकी फोड़ते हैं तब श्री हरि विष्णु अवतार श्री हरि कृष्ण जी को यशोदा माँ डोरी से बांध देती है। श्री कृष्ण जी का नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करना, श्री कृष्ण द्वारा वत्स और बाकासुर का उद्धार, अधासुर का उद्धार, ब्रह्मा का बालक बछड़ों को चुराना और भगवान का स्वयं बालक बछड़ा बन जाना, और फिर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण जी का स्तुति। यह भी बहुत रोचक कथा है कि एक बार जो ब्रह्मा जी जो है वो श्री कृष्ण जी की परीक्षा करने के लिए बालक बछड़े उनके चोरी करके अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, वहीं पर रखते हैं, और श्री कृष्ण जी खुद बालक और बछड़े का वो रूप ले लेते हैं और यहाँ पर धरती पर अच्छी तरह से वो रह रहे हैं। और ये जो बालक लोग अपने घर पर जा रहे हैं और घर पर भी कोई उनको ये नहीं शक करते कि ये हमारे पुत्र नहीं हैं। और फिर ब्रह्मा जी लौट के आते देखते हैं लीला और श्री कृष्ण के शरण में वे जाते हैं। और यहाँ पर भी रेवती का कथा भी आता है कि रेवती जो बलराम जी की पत्नी, श्री कृष्ण जी की बड़े भाई बलराम उनकी पत्नी, तो यह भी कथा मिलता है कि रेवती भी एक समय ब्रह्मलोक जाती है और जब तक वो लौट कर आती है, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय बड़ा धीरे चलता है और यहाँ का धरती का बड़ा जोर चलता है, तो जब तक रेवती लौट कर आती है तो यहाँ पर धरती में जो उनके समय जो लोग थे वो उमर चुके होते, तो ये होता है कथा। और यहाँ पर
श्री कृष्ण जी का जो चमत्कार है कि उन्होंने क्या किया कि जब ब्रह्मा जब अपने लोक से यहाँ आते तो उस समय क्या होना चाहिए था कि जो समय है बहुत तेजी से धरती में बीत जाना हो चुका होता। ऐसा ब्रह्मा जी सोचते थे, अरे अब मैं जाऊँगा सब कुछ बदल जाएगा, जो पृथ्वी पर था जो लोग थे वो नहीं रहेंगे। लेकिन जब आकर देखा तो जैसे पृथ्वी पहले था उसी प्रकार। तो ये जो टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट है ये सब हमारे पुराण में है और खास करके भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में ये सब है। तो जो जैसे मैंने कल कहा था कि जो आजकल के स्टोरीज हैं जो मूवीज इत्यादि में देखने को मिलता है वो हमारे पुराणों में वहीं से निकला है। और जैसे जो एग्जाम्पल है जो मूवी एवटार था या अवतार, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, वो जेम्स कैमरन जो डायरेक्टर है वो भारतवर्ष जाता है, रिसर्च करता है और तब फिल्म बनाता है। और जो जैसे यहाँ पर हमने देखा जो ब्रह्मा ब्रह्मलोक और यहाँ का पृथ्वी का टाइम ट्रेवलिंग वो भी हमारे पुराणों में से ही निकला है। तो यहीं पर हम संक्षिप्त कथा जो है उसको आज अंत कर रहे हैं, दशम स्कंद में पूर्वार्थ। और कल फिर हम दशम स्कंद में संक्षिप्त कथा जो हम कहेंगे उसके बाद दशम स्कंद, 11वां स्कंद, द्वादश, 12वां स्कंद संक्षिप्त कथा हम कहेंगे। और फिर जो चौथी रात्रि है वहां से विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण अवतार तक हम जाएंगे। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्रेम रहा। तो ऐसा ही होगा। आप जानते हैं कि बहुत कठिन है, खासकर जो आजकल की परिस्थिति है उसमें यह सब करना, लेकिन मेरे दिल में था क्योंकि बचपन से हम यही सब करते आ रहे हैं। और जब भी खास करके जब त्यौहार होता है तो हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है, पूरा त्यौहार को मनाने का उत्सुकता रहती है। तो हम कर रहे हैं, आप सभी इस तरह से जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आप कथा को पहुँचाइए अपने इष्ट मित्र परिवार तक। यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, सिया रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम।